हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम आपके सामने लेके आए एक ट्रेसन मेथड जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कोई भी आपको रूट आपको फाइंड करना हो किसी भी क्वेश्चन का तो कैसे करा जाता है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान से देखिएगा लेक्चर को पूरा अच्छी तरीके से जिससे आपको पूरा आपको समझ में आए तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है आपको लेट करना पड़ता है आपको फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो ऐसे कुछ भी आपको इक्वेशन दे रखा होता है तो इन इक्वेशनों को आपको दे रखा होता है तो इनको आपको पहले क्या करना पड़ता है इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले आपको जीरो करना है उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालने के मेथड आपके इसमें से चार टाइप हो सकते हैं आप चार प्रकार से इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे कैसे सबसे पहले आपका फर्स्ट क्या होगा यदि आपका x बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन करते हैं मतलब कि यहाँ से x को इधर ले ले लिया जाए तो x की वैल्यू आपकी निकल के आती है एक्स स्क्वायर माइनस का वन तो उसको आपको क्या मानना है फाइव एक्स आप मान लोगे उसको सबसे पहले यदि आपने उसको फाइव एक्स मान लिया है तो आपको क्या करना है इसमें आपको एक चीज़ आपको याद रखनी यदि इसमें आपकी फाई डैस एक्स नॉट यहाँ पे नोट होगा एक्स नॉट एक्स नॉट वैल्यू हम आपको बताएंगे कैसे ली जाती है तो फाइव डैस एक्स नोट की वैल्यू यदि एक से छोटी आती है किससे छोटी आती है एक से छोटी आती है तो आपका यही आपका केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसी को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन का स्क्वायर माइनस का वन तो ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें फिर अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाला जाएगा फिर अप्रोक्सीमेशन के लिए आप एन बराबर जीरो एन बराबर वन एन बराबर टू करके आपको अप्रोक्सीमेशन फाइंड करे जाते हैं यदि आपको x की वैल्यू यदि ऐसे आपकी यहाँ पे लेस देन की जगह आपका ग्रेटर देन वन आता है तो उसके लिए आपका ये केस आपका फेल हो जाएगा इसके अलावा फिर आपको x की वैल्यू कैसे आप फाइंड कर सकते हो तो x की वैल्यू आप अलग तरीके से आप फाइंड कर सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर आप यहाँ पे लिखिएगा x प्लस वन जिससे आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट एक्स प्लस वन जिसको आप फाई एक्स मान सकते हो यदि आपने इसको फाइव एक्स मान लिया इससे आप फाइव डैस एक्स निकालोगे फिर उस पर एक्स नोट रखोगे जिससे यदि इसकी वैल्यू यदि लेस देन वन आती है तो आप इसको आप मान सकते हो जो आपने फाइव एक्स माना है इसको आप मान सकते हो एक्स एन प्लस वन बराबर अंडर रूट एक्स एन प्लस वन मतलब कि स्टार्टिंग में आपका एन प्लस वन हो जाएगा इधर आपका एन हो जाएगा फिर इसके बाद आपको एन बराबर जीरो फिर वन फिर टू आपको पुट करना है जिससे आपको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आपको फाइंड होंगी जैसे आप एक क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है आपको समझना है अच्छी तरीके से थर्ड आप कैसे निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू आप थर्ड कैसे निकालोगे जब एक्स स्क्वायर बराबर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपका तब आपका एक्स प्लस वन आएगा यदि आप एक्स का पूरे में डिवाइड कर दोगे दोनों पक्ष में आपको मतलब बहुत साइड आप डिवाइड करोगे एक्स का तब आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर वन प्लस वन अपॉन एक्स यदि आपने इसको फाइव एक्स माना यदि इस पर आप फाइव डैस एक्स निकालोगे यदि इसकी वैल्यू लेस देन वन निकल के आती है तब आपके लिए तब आप क्या करोगे तब आप कह सकते हो एक्स एन प्लस वन बराबर हो सकता है वन प्लस वन अपॉन एक्स एन तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइव डैस एक्स नॉट आपका मोड लेस देन वन होना चाहिए आप एक और टैप से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो दोनों तरफ में से एक्स में से आपको घटाना है यदि एक्स में से आप पूरा फंक्शन ही घटा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन जिससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी एक्स बराबर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि आपने इसको फाइव एक्स माना है तो आपका फाइव डैस एक्स नॉट आपका लेस देन वन निकल गया आता है यदि यहाँ से तब आप इसको भी मान सकते हो एक्स एन प्लस वन बराबर टू एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस का वन तो इस हिसाब से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे उसको आप फाइव एक्स नाम दोगे और फाइव एक्स नाम दोगे उसका आप एक बार डेरिवेटिव करोगे एक बार अवगलन करने के बाद आप यदि उसका एक्स नोट की वैल्यू पुट करोगे और उसका मोड़ लोगे तो आपकी यदि एक से छोटी वैल्यू आती है तो वही आपका केस इंपॉर्टेंट होगा तो ये था सबसे ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट और फिर बाद में आपको एन की वैल्यू जीरो वन टू पुट करके आपको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड होती हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आप इसका बेसमेंट आपको हमने बता दिया है मेथड होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो अब अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं तो बाई सेक्सन मेथड से भी आप फाइंड करते हो लेकिन आपके यदि लिखे आता है कि आपको एक्ट्रेशन मेथड से सोल्व करना है तो आपको ये एक्ट्रेशन मैथड ही से आपको सोल्व करना होगा अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको पहले क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो अप टू थ्री डेसिमल आपको थ्री डेसिमल तक आपको ये फाइंड करना है बाई इटरेसन मैथड इटरेसन मैथड की सहायता से आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा आपको लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो लिखना पड़ेगा आपको देखो इसके अंदर आपको इंटरवल नहीं दे रखा है क्या नहीं दे रखा है आपको इंटरवल नहीं दे रखा है तो जब भी आपको इंटरवल क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है तो सबसे पहले आपको एफ जीरो निकालते हैं एफ जीरो पर वैल्यू आपने देखी निगेटिव आई मतलब कि लेस देन जीरो आई लेस देन जीरो का मतलब होता है आपका निगेटिव और ग्रेटर देन जीरो का मतलब आपका होता है पॉजिटिव यदि आपने एफ वन निकाला तब आपकी आई पॉजिटिव वैल्यू तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लाई कहाँ करेगा सिंस रूट लाई बिटवीन जीरो एंड वन तो आपका जो रूट होगा वो जीरो और वन के बीच में लाई करेगा अब आपको एक्स नोट आपको खुद मानना होता है ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है एक्स नोट आप जीरो और वन के बीच में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो जीरो पॉइंट फाइव हमने लेट करी है आप चाहो ज़ीरो पॉइंट फोर लीजिएगा जीरो पॉइंट थ्री लीजिएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स लीजिएगा आप कुछ भी एक्स नोट ले सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन आपकी जीरो और वन के बीच ही में आपको लेट करना है ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन में आपको केस बनाने हैं जिसमें आपको फाइव डैस फाइव जो आपकी ये चीज़ आपकी बात बता रहे थे फाइव डैस एक्स नोट की वैल्यू एक से छोटी आनी चाहिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की तो केस फर्स्ट में हमने आपको बताया है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर आपको जीरो दे रखा है यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कैसे निकाली हमने एक्स क्यू बराबर लिखा वन माइनस एक्स स्क्वायर जैसे कि आप समझ सकते हो एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया और वन को इधर हमने भेज दिया अब इसके बाद क्या किया हमने क्या किया स्क्वायर था तो हमने क्या किया पूरे पूरे में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर का कर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा वन और जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आपका लेस देन जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं तो इसको पहले आप फाइव मानोगे जैसे ही आप इसको फाइव मानोगे इसका अवगलन करोगे तो अवगलन करने के बाद आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा पोस्टिव में कैसा निकल के आएगा आपका ये पोस्टिव में तो इसको आप जैसी पोस्टिव में निकल के आएगा तो इसको लिख दोगे वन से बड़ा तो एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है यहाँ पे आपका ये गलत लिखा है यहाँ पर बनोपन एक्स की जगह यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे स्क्वायर होगा यदि तब भी आप सोल्व करोगे तब भी आपका पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी इसको आप सोल्व कर सकते हो अब बात करते हैं के केस नंबर सेकेंड की तो केस सेकंड आपके सामने है तो केस सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है इसको हम आपको समझाएंगे तो केस सेकंड आपका क्या है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बरावर जीरो है इसमें से हमने क्या किया एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर को जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आएगी वन अपॉन एंडर रूट एक्स प्लस वन इसको आप फाइव एक्स नाम दे सकते हो अब इसको आपने फाइव एक्स माना है तो इसका आप एक बार डेरिवेटिव करोगे तो एक बार डेरिवेटिव इसका करोगे तो माइनस वन अपॉइंट टू आएगा एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री बाई टू जैसे कि आपने देख लिया होगा तो ये पावर आपकी आ गई है इसके बाद आप क्या करोगे एक्स नॉट इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो पुट एक्स नॉट की वैल्यू आपकी ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव है जैसी आप वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो आपका यहाँ पे आपका वन में एड होके वन पॉइंट फाइव हो जाएगा और वन पॉइंट फाइव की पावर थ्री बाई टू है और आपका मोड है तो मोड से आपकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू आपने बाहर निकाली जिससे आपकी वैल्यू आ गई है वन पॉइंट थ्री इंटू इंडर रूट वन पॉइंट फाइव इसकी वैल्यू हमेशा वन से छोटी आएगी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो जिससे यदि आपकी वैल्यू छोटी है, छोटी आ गई तो यही बात हमको लानी होती है आप जिससे आपके सेकेंड में आप लिख सकते हो कि सेकेंड आपने जिसको आपने फाइव एक्स माना है इसको आप लिख सकते हो एक्स एन प्लस वन बराबर वन अपॉन एंड एक्स एन प्लस वन ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है आप जैसे देख सकते हो केस केस जो फर्स्ट था उसमें आपका क्या हुआ फाइव डैस एक्स नोट की वैल्यू आपकी जीरो एक से बड़ी आ सकती है इसी प्रकार अदर भी आप एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो यदि उसमें यदि ये सेटिस्फाई पहली बात तो एक ही में होगी और आपकी एक ही कंडीशन में आपकी सेटिस्फाई हो सकती है आप समझ सकते हो अब इसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें आपको केस फर्स्ट आपने समझ लिया होगा केस फर्स्ट में आपकी एक से बड़ी आपकी वैल्यू आई थी इसके बाद आपने क्या देखा कि एक्स एन प्लस वन बराबर वन अपन अंडर रूड एक्स एन प्लस वन आपको मिल गया है ये बात आपको समझ में आई है कि केस फर्स्ट और केस सेकंड आपको कैसे बनाने हैं और कैसे इनको सॉल्व करने है मतलब कि सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स के बाद उसी को हम फाइव एक्स नाम देते हैं फाइव ए एक्स आपने नाम दिया उसी को हम फाइव डैश एक्स उसकी वैल्यू निकालते हैं और x की जगह आप x एक्सनोट पर पुट करते हैं जो कि हम पहले आपको लेट कर चुके हैं यदि आपने x एक्सनॉट जैसे पुट किया यदि उसकी वैल्यू एक से छोटी आती है तो आपका वो केस आपका सेटिस्फाई हो जाएगा इसीलिए हम यहाँ पे x की जगह हम एक्स एन प्लस वन करके आपको वन अपोनेट रोड एक्स एन प्लस वन लिख सकते हैं तो ये थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने इतना काम कर लिया इसके बाद एक्ट्रेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बाद ओनली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन आपको बताते हैं तो ये आप देख सकते हो आपकी वैल्यू आपकी निकाली थी एक्स एन प्लस वन बराबर वन अपॉन अंडर रूट एक्स एन प्लस वन तो ये चीज़ आपने समझी है अब इसके बाद आपको समझना है क्या आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखना है क्या लिखना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो आप पुट करोगे एन बराबर जीरो तो आपने एन बराबर जीरो रखा तो आपका हो जाएगा एक्स वन बराबर वन अपॉन अंडर रूट एक्स नॉट प्लस वन तो आप देख सकते हैं एक्स जीरो प्लस वन है तो इसकी जैसी आप वैल्यू वैल्यू पुट करोगे तो आपका एक्स एक्स जीरो की वैल्यू आपकी जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव में आप वन ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा वन पॉइंट फाइव तो वन अपॉन एंडे रूट वन पॉइंट फाइव की वैल्यू आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा जीरो पॉइंट एट वन सिक्स फोर नाइन जैसे कि आपके स्क्रीन पर होगा अब इसी प्रकार आप सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें एन बराबर वन पुट करोगे जैसे पुट करोग पुट करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स टू बराबर वन अपॉन रूट एक्स वन प्लस वन और जैसे ही आप इसको अंदर वन में ऐड करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन पॉइंट एट वन सिक्स फोर नाइन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा जीरो पॉइंट सेवन फोर वन नाइन सिक्स इसी प्रकार आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें एन बराबर टू पुट करोगे जिससे आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवन सिक्स सेवन इसी प्रकार आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें पुटिंग एन बराबर थ्री करोगे तो एन बराबर थ्री जैसे पुट करोगे तो आप उसकी वैल्यू आपकी आई जाएगी जीरो पॉइंट सेवन फाइव फोर टू सेवन आप समझ रहे हो एक्स थ्री की आपकी कौन सी वैल्यू जो आपने अभी यहाँ पर आपने फाइंड करी है ये बात आपको याद रखनी है इसके बाद आप फिफ्थ अप्रोसीमेशन तो निकालोगे तो उसके लिए आप पुट करोगे एन बराबर फोर तो एन बराबर फोर जैसे ही आप पुट करोगे तो एक्स फाइव बराबर आपका आ जाएगा वन अपोनेंट रूट एक्स फोर प्लस वन आप जैसे ही इसके अंदर एक्स फोर की वैल्यू आपकी ई पुट करेंगे और साथ में वन ऐड करेंगे करेंगे उसका रूट लेंगे और उसका डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट सेवन फाइव फाइव इसी प्रकार आप देख सकते हो जब तक आपके लास्ट के तीन अंक आपके समान न मिल जाएँ आपके क्वेश्चन में कह रखें आपको थ्री डेसीमल प्लेसेस तक आपको फाइंड करने हैं तो आप सिक्स अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो एन बराबर फाइव आप पुट करोगे तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव फोर एट सेवन एट फाइव और जब आप सेवन अप्रोसीमेसन निकालोगे तो उसमें पुटिंग करोगे एन बराबर सिक्स जिससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी जीरो पॉइंट सेवन फाइव फोर एट सेवन आप देख सकते हो थ्री डेसीमल प्लेसेज सेवन फाइव फोर इसमें भी आपका आ रहा है सेवन फाइव फोर साथ में एट भी आ रहा है तो एट भी आपने लिख लिया तो आप लिख सकते हो हैंस द अप्रोक्सीमेशन रूट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव फोर एट तो इस प्रकार से आपको आगे काम करना है तो आपने पहला काम आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस बनाना और केस के बाद आपको ये लिखना है एक्स एन प्लस वन बराबर वन अपॉन इंडर रूट एक्स एन प्लस वन ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया था ये हमने एक्स क्यू का कर दिया है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ओनली आप कैलकुलेशन करिएगा तब भी आपका ग्रेटर देन आपका वन आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है कि इसमें ओनली आपको एक ही आपको रूट मिलेगा जिसके कारण आपका ये फाइव डैस एक्स नॉट आपका लेस देन वन होगा तो आपको ये बात समझ में आया होगा इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं तो आपका क्वेश्चन सेकंड आपके सामने लेके आए हैं क्वेश्चन सेकंड आपका क्या है आपके स्क्रीन पर आ गया होगा तो उसमें आप देख सकते हो क्या पूछा गया है फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो जिसमें आपको क्या करना है आपको थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक्ट्रेशन मेथड की सहायता से आपको फाइंड करना है इसका रियल रूट वो भी आपका इंटरवल आपको इसमें दे रखा है टू और फोर के बीच ही में आपको फाइंड करना है इसका रूट ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार आपके सामने आया हुआ है इसका सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन इसका है लेट एफ एक्स बराबर आपको सबसे पहले लेट करना है एफेक्स बराबर एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो अब आपको दे रखा है इंटरवल टू और फोर के बीच में ही आपको रूट फाइंड करने हैं तो आप एफ़ टू की वैल्यू आप निकालिएगा तब भी आपकी निगेटिव आएगी और एफ थ्री निकालिएगा तब आपकी पॉजिटिव आएगी तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो लाई करेगी आपका वो आपका लाइक करेगी टू और थ्री के बीच में आपकी वैल्यू लाइक करेगी क्योंकि आपने देखा टू और फोर के बीच में पूछा तो आपने देखा कि एफ़ टू पर हमने निकाला तब आपकी आई ये निगेटिव जब आपने एफ थ्री निकाला तब आपकी ये पॉजिटिव इसका हम लोग कह सकते हैं टू और थ्री के बीच ही में आपकी लाई करेगी तो मतलब फोर आप कह सकते हो आगे तक है लेकिन आप इतने से आप संतुष्ट हो गए होगे कि आप समझ रहे होगे कि आपको कैसे लाई करनी है टू और थ्री के बीच में लाई हो जाएगी क्योंकि आप एक निगेटिव एक आपका पॉजिटिव निकल के आ गया है अब बात करते हैं कि आपको एक्स नोट लाइट करना है आप एक्स नोट टू पॉइंट फाइव लेट कर सकते हो टू पॉइंट फोर कर सकते हो टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सिक्स कुछ भी आप लेट कर सकते हो वो आपका टू और थ्री के बीच ही में आपका होना चाहिए अब बात करते हैं केस की अब देखिएगा सबसे पहले आप देखिए केस फर्स्ट तो केस फर्स्ट में आप देखिएगा एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो है यदि हम इसमें से एक्स कॉमन ले लेते ले हैं तो आपका हो जाएगा एक्सो स्क्वायर माइनस का वन और इसको वन कॉम इधर भेज तो आपका हो गया माइनस का वन यदि आपने x बराबर यहाँ से वैल्यू निकाली तो आपका आ गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन और इसको आपने माइनस का आपने डिवाइड कर दिया तो आपका हो गया वन अपॉन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इसी को हम फाइव एक्स मानेंगे क्योंकि आप जो भी x की वैल्यू निकालते हैं उसको हम मानते हैं फाइव एक्स इसके बाद आपको क्या करना है आपको फाइव डैस एक्स निकालना है फाइव डैस एक्स आपको निकालोगे तो इसका आपको एक बार डेरिवेटिव करना है तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपका हो जाएगा टू एक्स अपन नाइन माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसे आपको डेरिवेटिव आपको आता ही होगा इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको x की जगह आपको x नोट करना है और आपको मोड़ लेना है यदि आप x नोट की वैल्यू आपने मान रखी है 2.7 तो 2.7 आप पुट करोगे तो 2.7 जैसे ही आप पुट करोगे तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका होगा 5.4 पॉइंट फोर अपन टू पॉइंट जो आपका one तो कि आपका वन से हमेशा बढ़ा ही आएगा क्योंकि ऊपर फाइव है नीचे टू है यदि टू का डिवाइड करेंगे तो आपका हमेशा ग्रेटर देन आपका वन ही आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका केस फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया इससे हमें कोई मतलब नहीं आप करते हैं केस सेकेंड तो केस सेकंड में आप देख सकते हो केस सेकंड आपका क्या है केस सेकेंड आपका है एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो यहाँ पे हमने क्या किया नाइन एक्स को इधर लिखा एक्स क्यू और वन को उधर डिवाइड में भेज दिया और साथ में आपका नाइन का डिवाइड कर दिया तो आ, इसको हमने मान लिया फाइव एक्स इसको हमने फाइव एक्स मान लिया है अब क्या करोगे इसका आप फर्स्ट बार डेरीवेटिव करोगे तो इसका फर्स्ट बार डेरीवेटिव करेंगे तो आपका हो जाएगा फाइव डैस एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री थ्री से आप ये करिएगा थ्री वन जै थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जहा नाइन तो इस हिसाब आप से आपका हो जाएगा एक्स स्क्यर अपऑन थ्री अब क्या करोगे आपको फिर वही काम करना है एक्सनोट आपको फाइव डैस एक्स नॉट का आपको मोड निकालना है इसका मोड जैसे निकालोगे तो आपका हो जाएगा एक्स नॉट की वैल्यू आप रखोगे टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन आपको यहाँ पे पुट करोगे तो टू पॉइंट सेवन का होल स्क्वायर अपॉन थ्री ये आपका हमेशा वन से आपका ग्रेटर देन ही आपका आएगा तो यदि आपके ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये भी आपका केस आपका फेल हो गया आपको हमेशा क्या चाहिए लेस देन आपको वन चाहिए अब आप क्या करोगे इसके बाद आप करोगे केस थर्ड तो केस थर्ड में आप क्या कर सकते हो उसमें आप देखिएगा आप नाइन एक्स और वन को आप इधर भेजिएगा आपका हो जाएगा नाइन एक्स माइनस का वन जिससे आपकी एक्स की वैल्यू आपकी फाइंड होगी नाइन एक्स माइनस वन की पावर वन वाई थ्री इसको हम आपकी ओर फाइव एक्स मानते हैं फाइव एक्स मानते हैं तो इसका हम वन बाई डेरीवेटिव करेंगे तो आपका हो जाएगा वन पॉइंट थ्री नाइन एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू बाई थ्री इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक्स नोट आपको वैल्यू पुट करनी है तो आपको फाइव डैश टू पॉइंट सेवन हो जाएगी अब टू पॉइंट सेवन आप जैसे ही इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री कोष्टक में नाइन इंटू टू पॉइंट सेवन माइनस वन की पावर टू बाई थ्री जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आजिएगा टू पॉइंट थ्री की पावर टू बाई थ्री ये हमेशा लेस देन वन होगा जैसे आप सॉल्व कर सकते हो नीचे इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी और ऊपर वन है तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये वन से छोटा ही आएगा तो आप कह सकते हो फाइव डेस एक्स नोट की वैल्यू आपकी लेस देन वन है मोड की आप समझ सकते हो अब इसलिए आपका केस थर्ड आपका सेटिस्फाई हो गया तो आपने जिसको आपने फाइव एक्स माना है इसी को आप लिख सकते हो एक्स एन प्लस वन बराबर नाइन एक्स एन माइनस वन की पावर वन बाई थ्री ये था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस थ्री क्योंकि केस थ्री में आपने समझ लिया होगा कैसे आपको ये सब काम करने हैं अब आप करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसका करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप कैसे इसका निकालते हैं तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको पुटिंग करनी पड़ेगी एन बराबर जीरो जैसे ही आप एन बराबर जीरो पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या एक्स वन बराबर नाइन एक्स स्क्र माइनस वन की पावर वन बाई थ्री आप ही एक्स नोट है एक्स नोट की वैल्यू आपको पता है एक्स नोट की वैल्यू आपकी क्या है एक्स नोट की वैल्यू आपकी है टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन आप जैसे ही पुट करोगे इसको जैसे आप कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करोगे क्योंकि ऊपर पावर वन ओपॉइन थ्री है इसका मतलब क्या है आपको क्यों रूट निकालना है ये आपको कैलकुलेटर की सहायता से आप सोल्व कर पाओगे तो आपका आएगा टू अब आपने समझ लिया कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाला इसी प्रकार आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे एनबरआउट वन पुट करोगे जिससे वैल्यू आपकी आएगी टू तो पॉइंट नाइन वन फोर टू इसी प्रकार जब आप सोल्व करते चले जाओगे आपको लास्ट में वैल्यू आपकी सेम टू सेम आपको अंक मिल जाएंगे नाइन पॉइंट फोर वन नाइन पॉइंट फोर वन आपको थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आपको सेम अंक मिल गए हैं इसका मतलब आपको सिक्स अप्रोक्सीमेशन पर आपको सेम अंक आपको मिल जाएंगे आप लिख सकते हो होक्सीमेशन रूट इज इज टू पॉइंट नाइन फोर वन इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं तो ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा आपके सामने सॉल्यूशन हम आप, आपके सामने डाल दिया है लेकिन हम आपको बताएंगे क्वेश्चन आप खुद सोल्व करिएगा आपका क्वेश्चन क्या है यूज इट्रेशन मेथड सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बराबर जीरो एंड रूट वे फोर एंड फाइव तो ये क्वेश्चन आपका एक बढ़िया क्वेश्चन भी है आपके थ्री क्वेश्चन है थ्री क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा और उसको आप खुद सॉल्व करिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए केस वन और केस सेकंड आप कैसे आप बना सकते हो और भी आप क्या सोच सकते हो उसमें आप कैसे आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको पता ही फोर और फाइव के बीच में लाई करेगा तो फोर पर आपने चेक कर लिया तो आपका लेस देन आया फाइव पर आपने चेक कर लिया तो आपका ग्रेटर देन आया तो इसके इसके कारण आप कह सकते हो सिंस द रूट लाई बिटवीन फोर एंड फाइव फोर और फाइव के बीच में आपका ये रूट आपका लाई करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसके बीच में कोई वैल्यू पुट माननी है तो एक्स नॉट बराबर हमने फोर पॉइंट फाइव आपने लाइट कर ली ये तो बात तो आपको सिंपल सी है अब बात करते हैं केस फर्स्ट की तो केस फर्स्ट में हमने क्या किया कि हमने फाइव एक्स को इधर लिखा और एक्स स्क्वायर और टू को हमने इधर भेज दिया तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया हमने फाइव एक्स को उधर भेज दिया तो इससे पॉजिटिव में हो गया तो आपका हो गया फाइव एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड करी तो x की वैल्यू आपकी होगी एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉइन्ट फाइव जिसको हमने फाइव एक्स हमने लेट कर लिया इसके बाद हमने इसका एक बार डेरिवेटिव किया तो आपका हो गया टू एक्स अपॉइन फाइव क्योंकि वन आपका क्वेश्चन है इसका जीरो हो जाएगा आप जैसे ही इसके अंदर फाइव डे एक्स नोट आप जैसी वैल्यू पुट करोगे मतलब कि एक्स नोट आपने मनाया फोर पॉइंट फाइव जैसे ही आप पुट करोगे तो जिससे आपकी वैल्यू आई वन पॉइंट एट जो कि आपका जीरो से बड़ी है तो आप लिख सकते हो फाइव डे एक्स नोट इज ग्रेटर देन मतलब कि आप यहाँ पर वन लिखिएगा वन से आपकी बड़ी है जिससे आपकी ये आपका केस फर्स्ट आपका हो गया बेकार यदि आपकी यहाँ पे आपका वन होगा ये चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पे आपका वन है और यहाँ पे भी आपका वन है ये चीज़ आप देखिएगा अब बात करते हैं केस सेकंड की तो केस सेकंड में हमने क्या किया आपकी बार फाइव एक्स और टू को हमने उस तरफ भेजा तो आपका फाइव एक्स माइनस का टू हो गया और x की वैल्यू हमने निकाली तो अंडर रूट फाइव एक्स माइनस टू हो गया जिसको हमने फाइव एक्स नाम दे दिया अब क्या करोगे आप फाइव डैश एक्स निकालिएगा तो वन अपॉइंट टू फाइव एक्स माइनस टू का होल पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगी और इन टू फाइव हो जाएगा ये चीज़ आपने समझ ली अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ओनली आपको फाइव डैश एक्स नोट निकालना है एक्स नोट की वैल्यू आप रखोगे फोर पॉइंट फाइव और फोर पॉइंट फाइव जैसे इसके अंदर पुट करेंगे तो फाइव अपॉइन्ट टू हो जाएगा आपका अंडर रू टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी पॉइंट फाइव क्योंकि आपका जैसे आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो इंटरव्यू ट्वेंटी पॉइंट फाइव आपका हो जाएगा इसको आप सोल्व करोगे तो ट्वेंट टू पॉइंट फाइव अपॉन फोर पॉइंट फाइव टू सेवन हो जाएगा यदि आप फोर का टू में डिवाइड करेंगे तो वो आपका हमेशा फो वन से छोटा आएगा जिसलिए कह सकते हैं आपका फाइव डेस एक्स नोट की वैल्यू आपकी वन से छोटी आएगी ये बात आपने समझनी थी समझनी थी क्योंकि आपको यही वैल्यू आपको पता होनी चाहिए फाइव एस एक्स नोट की वैल्यू जहाँ पर आपकी वन से छोटी मिले तो वही आपका केस आपका सेटिस्फाई होता है तो so, अब आप टेक कर सकते हो आपने जो फाइव एक्स माना था उसको आप लिख सकते हो एफ़ एक्स एन प्लस वन बराबर अंडर रूट फाइव एक्स एन माइनस का टू आपने अच्छी तरीके से अब इसको समझ लिया है अब आपको कुछ नहीं करना है आपको अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं आप निकाल सकते हो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप क्या करोगे पुटिंग एन बराबर जीरो जैसे आप पुट करोगे तो आप एक्स वन बराबर इंटर रोट फाइव एक्स नोट माइनस वन जिसको आप सोल्व करोगे तो फोर पॉइंट फाइव टू सेवन आपका आएगा इसी प्रकार आप लगातार करते चले जाओगे अप्रोसीमेशन एन बराबर वन एन बराबर टू एन बराबर थ्री एन बराबर फोर एन बराबर फाइव एन वरावट सिक्स और एन वरावट सेवन जिसमें आप देखोगे लास्ट में इनके अंक आपके सेम मिल जाएंगे फोर पॉइंट फाइव सिक्स फोर पॉइंट फाइव सिक्स आप लिख सकते हो अतः आपका हैंस द अप्रॉक्सिमेशन रूट इज फोर पॉइंट फाइव सिक्स जीरो वन इसको हमने डायरेक्ट इसलिए दिया क्योंकि आपको पता नीचे ओनली कैलकुलेशन करना है ये काम आपका है आप खुद कर सकते हो ओनली इसका मेन मतलब आपका क्या है आपको केस फर्स्ट और केस सेकेंड आपको समझाना आप स्क्रीन शॉट खींच सकते हो नीचे इसकी कैलकुलेशन की आप इससे आप समझ सकते हो कैलकुलेशन कैसे करना है और आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे ओनली आपको ये काम करना है कि केस फर्स्ट और केस सेकेंड आपको समझना है आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा यदि इसमें इससे यदि और भी आपको दिक्कत आती है तो हम इससे और भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे कि यदि आपने कोई और केस बना लिया ऐसा जिससे आपकी की वैल्यू निकल रही हो जिससे आपकी लेस देन वन आ रहा हो लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमेशा वन ही रूट निकलता है किसी के आपके लाई के बीच में मतलब कि कोई भी दो पॉइंटों के बीच में आपका एक ही आपका रूट निकलता है तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको न्यूटन रेप्सन मेथड हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में